बीते कई दिनों से रवीना टंडन सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। दरअसल कुछ दिनों पहले ही उनका एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुआ, जो उनके बांद्रा में स्थित बंगले के बाहर का था। इस वीडियो में एक्ट्रेस को चारों तरफ से घेर रखा था। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि रवीना की गाड़ी से कुछ लोगों को टक्कर लगी, जिसके बाद तीन महिलाएं और एक आदमी ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान रवीना अपने ड्राइवर का बचाव करती हुई दिखाई दी। वायरल वीडियो में वो ये कहती हुई भी सुनाई दी कि प्लीज मुझे मत मारो। इस वायरल वीडियो के बाद कई फैंस भी रवीना टंडन के सपोर्ट में आए थे। अब हाल ही में इस मामले में रवीना टंडन और उनके ड्राइवर को पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ये भी कंफर्म किया कि रवीना के ड्राइवर रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक्ट्रेस के बंगले के बाहर गाड़ी पार्क कर रहे थे। तो तीन महिलाएं और एक आदमी जिन्होंने गाड़ी से टक्कर लगने का दावा किया था, वो उनसे लड़ने के लिए आ गए। पुलिस ने शिकायतकर्ता की रवीना के नशे में होने और उन्हें धमकियां देने के आरोप को भी गलत बताया है और खुद ये जानकारी शेयर की है कि दोनों में से कोई भी नशे में नहीं था। वही क्लीन चिट मिलने के बाद एक्ट्रेस का पहला रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने बताया कि इससे उन्हें क्या सीख मिली। एक्ट्रेस ने लिखा कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अब डैश कैम और सीसीटीवी लगवा ही लीजिए। बता दें कि सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से ही रवीना खुद को बेगुनाह साबित कर पाई है और इसी की वजह से उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। सीसीटीवी फुटेज से सच सामने आया है। रवीना टंडन के साथ हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी बाद में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें कहानी का दूसरा पक्ष भी देखने को मिला और साथ ही हर किसी के सामने सच आया। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।